नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कदवा पुलिस की दबंगई आई सामने। पीड़ित युवक ने एसपी को आवेदन देकर फिल्मी अंदाज में थाना अध्यक्ष पर पिटाई का लगाया आरोप। क्रेडाई की ओर से किया गया वर्कशॉप का आयोजन। कमिश्नर ने कहा बिल्डरों और खरीदारों को होगी सहूलियत। जदयू विधायक के बयान पर बीपुर विधायक ने किया पलटवार। कहा जनता जानती है नौटंकीबाज है कौन। अमीरपद स्कीम के विरोध में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह। नेताओं ने कहा युवाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार। और ढोल नगाड़े के साथ अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीएमबीयू में चलाया कुलपति खोजो अभियान। खबरें विस्तार से। भागलपुर अंतर्गत पुलिस जिला नवगछिया के कदवा ओपी अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मी ने एक युवक को फिल्मी अंदाज में पीट डाला। पीड़ित युवक ने कदवा ओपी अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मी के खिलाफ पुलिस अधीक्षक नवगछिया को इसके लिखित शिकायत की है। पीड़ित युवक की पहचान कदवा बगड़ी टोला निवासी भुजंगी यादव के पुत्र जितेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है। पीड़ित युवक का कहना है कि उसके भाई रविंद्र कुमार को कदवा पुलिस ने बिना वजह रास्ते से हथकड़ी लगाकर उठा लिया और थाना ले जाकर पेड़ से बांध दिया। साथ ही कहा कि आसपास के लोगों ने उसे इसकी सूचना दी, जिसके बाद वह थाना पहुंचा और थाना अध्यक्ष से पूछा कि आखिरकार उसके भाई किस जुर्म में पकड़ा गया है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि इतना पूछते ही कदवा थाना अध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मी ने जमीन पर पटक कर उसकी फिल्मी स्टाइल में लात घुसे और डंडे से पिटाई कर दी। साथ ही कहा कि थाना अध्यक्ष ने उसे किसी झूठे मामले में फंसा देने की भी धमकी दी। हालांकि ऐसे में अब देखना यह है कि पीड़ित युवक को कब तक न्याय मिल पाता है। दीदी, और उसको पूछने के लिए क्या चीज में आप पकड़े हैं? ठीक, उसने बोला, उसको बोले कि गाछ में क्यों बने हैं सर, हम फोटो लेने लगे, उसी लिए उसने मारने लगा। मारने के बाद ठीक पूरा घीच पीच और पूरा दो तीन आदमी मारा हुआ है। ठीक, गाछ में जो फोटो आप लिए गाछ में बंधा हुआ, तो फोटो है आपके पास? फोटो पकड़ के मोबाइल पकड़ के उड़ा दिया बड़ा। ठीक, जो अभी आपसे बयान कर रहे थे। ठीक, और लेके चले गया अभी, और उतनो भी धमकी देने लगा कि तुमको भी अंदर कर देंगे। काहे अंदर कर देंगे? इसलिए कि बोले पूछने के लिए आए हैं, उसी लिए। भागलपुर के स्थानीय होटल में क्रेडाई की ओर से एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधान पांडे, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर, रेरा बिहार के चेयरमैन नवीन कुमार वर्मा, क्रेडाई बिहार के अध्यक्ष सचिंद्र चंद्रा और क्रेडाई भागलपुर के अध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयुक्त दयानिधान पांडे ने किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी RERA के चेयरमैन नवीन कुमार वर्मा ने रियल एस्टेट से जुड़ी बातों पर विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बिल्डरों और खरीदारों के सवालों का भी जवाब दिया। इस क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान और उपाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं वर्कशॉप में रेरा बिहार के कार्यक्रम और योजनाओं को लेकर चर्चा की गई, जबकि इससे पूर्व कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण कर की गई। इधर कार्यक्रम में कई अधिकारियों ने तकनीकी सत्र को संबोधित किया और रेरा बिहार के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। मौके पर रेरा समेत जिले के कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि समेत रेरा सदस्य नुपुर बनर्जी, उप महापौर राजेश वर्मा, CA प्रदीप झुंझुनवाला के अलावा काफी संख्या में बुद्धिजीवी मौजूद रहे। इसकी जानकारी हो पाएगी और वो डिमांड कर सकेंगे कि अगर कहीं से किसी तरह की उसमें कमी है उसका दावा कर सकेंगे। पहले का समय और आज के समय में बहुत बदलाव आ गया है। आजकल निरंतर शहरीकरण बढ़ रहा है, लोग गांव से शहरों में आ रहे हैं। पहले तो लोग रहते थे तो इंडिविजुअली अपना घर बनाते थे, जिस तरह का चाहते थे उस तरह का बनाते थे, जब जरूरत होती तो भगवती कर लेते थे। लेकिन अब लोग अपार्टमेंट में रह रहे हैं, अपार्टमेंट कोई घर बनाता है अपने तरीके से बनाता है और बाद में जरूरत के हिसाब से भगवती भी करता है। तो इस तरह के अपार्टमेंट में जो लोग रहने आ रहे हैं उनके हित सुरक्षित रहे, इसलिए जरूरी है कि इस सेक्टर को रेगुलेट किया जाए। ये जैसा आप जानते हैं रेरा अधिनियम का लागू होने का 5 साल हो गया, 17 में फोर्स में आया था। सब लोग जानना चाहते हैं यहाँ पर कि क्या हम लोग कितना उपलब्ध कर पाए, क्या कमी रही,
क्या क्या बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि परिवर्तन तो होते रहता है, हम लोग का जिस तरह से माहौल होते हैं, तो प्लस हमारी जो एक्ट के उद्देश्य हैं, जो 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 प्रावधान हैं, उसकी जानकारी कितने लोग तक पहुंची है। इस तरह के वर्कशॉप हम लोग पटना में भी किए थे पिछले महीने, तो उसी महसूस किए कि नहीं, पटना के आवे जहाँ चाहिए उसी कड़ी में हम लोग भागलपुर आए, और यहाँ के जो हम लोग के जो लोग हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये बात पहुँचे उनको, और आप लोगों का बहुत सहयोग रहेगा मीडिया का, तो पहुँचेगी बात, और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन और भी हो ताकि इतने लोग हमारे पहुंच पाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले जदयू गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में बने रहते हैं, जो कई बार पार्टी और गठबंधन के लिए भी परेशानी का सबब बन जाती है। दरअसल गोपाल मंडल ने अपने एनडीए के सहयोगी भाजपा के बिपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें नौटंकीवास कहा था। वहीं इस बयान के बाद भाजपा विधायक इंजीनियर शैलेंद्र और जदयू के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल के बीच बयानबाजी का घमासान शुरू हो गया। बता दें कि गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने पिछले दिनों कटाव पीड़ितों के द्वारा बीपुर के बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को बंधक बनाए जाने को लेकर पूछे जाने पर उन्हें नाटकवास करार देते हुए कहा था। वो पहले भी इस तरह का नाटक कर चुके हैं। गोपाल मंडल ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा था कि सुरक्षा बढ़ाने को लेकर बीपुर विधायक इस तरह का नाटक करते हैं, जबकि अगर वह उन्हें कहेंगे तो वो खुद ही उन्हें सुरक्षा दिलवा देंगे। वहीं इसके बाद गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल के बयान पर पलटवार करते हुए बीपुर विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने एक वीडियो जारी कर कहा कि गोपालपुर विधायक खुद नौटंकीवास हैं और वह स्टेज पर किसके साथ नौटंकी करते हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। साथ ही भाजपा विधायक ने कहा कि कभी जमीन जायदाद मामले में दबंग गई तो कभी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन अर्धनग्न अवस्था में नौटंकी करते देखे गए। विधायक शैलेंद्र ने साथ ही कई और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गोपालपुर विधायक बीपुर से चुनाव लड़े और वो गोपालपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हकीकत सबके सामने आ जाएगी कि कौन कितना बड़ा पहलवान है। बंधक तो ड्रामाबाज न है, बंधक बनाएगा क्या, बंधक बन जाता है। एक बार का कहानी सुनाते हैं विधायक शैलेंद्र भाई के बारे में। वो जाम था पुल, जाम पुल था तो जाम तोड़वाएगा ना, बीचे रोड पर बैठ गया, दहियार सब लाठी लेके रपेटा बंगे लेके भागा उठ के। वो ड्रामाबाज है, जाम उसको बंधक बनाएगा, कुछ नहीं बनाता है। बंधक अपने बनता है हवा बनाने के लिए, हवा बनाने के लिए सिक्योरिटी मेरा बढ़े। हम कहते सिक्योरिटी आप बोले आराम से दिलवा देंगे कह के, अंधक बंधक नहीं बनाता, नाटक कर रहा है। हाँ, नाटक, पूरा नाटक, कलाकार है, नाटक ये आदमी है। केंद्र सरकार के अग्निपथ स्कीम के विरोध में सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय सत्याग्रह का आयोजन किया गया। भागलपुर समाहरणालय परिसर के समीप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद ने किया, जबकि संचालन विपिन बिहारी यादव ने। वही डॉक्टर अभय आनंद ने कहा कि सैन्य बहाली की नई प्रक्रिया नौजवान और राष्ट्र विरोधी है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इस योजना को लाकर नौजवानों के भविष्य एवं देश सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार महज 4 वर्षों के बाद नौजवानों को सेवानिवृत्त कर सड़कों पर बेरोजगार छोड़ देना चाहती है। कार्यकारी अध्यक्ष विपिन बिहारी यादव ने कहा कि अग्निपथ योजना को लाने के बाद सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इसमें कई संशोधन किए, साथ ही तीनों सेना अध्यक्षों को सामने लाकर सेना का राजनीतिक इस्तेमाल किया। जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीति से किसान, मजदूर, नौजवान और गरीब बेहाल है। धरना के पश्चात एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला पदाधिकारी को भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर सौरभ पारिक, अभिषेक चौबे, विनय मिश्रा, पंकज सिंह, मुजफ्फर अहमद, मिंटू कुरैशी, अमित आनंद समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कमेटी के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से अग्निपथ योजना को लेकर के मोदी की सरकार आई है, उसके खिलाफ पूरे देश का नौजवान युवा आक्रोशित है। और आपने देखा कि युवाओं में इतना आक्रोश था कि स्वतः उन्होंने आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। निश्चित तौर पर युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ विश्वासघात किया है मोदी की सरकार ने। और कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी विधानसभा क्षेत्र में आज सत्याग्रह किया है, सत्य अहिंसा के मार्ग पर। कांग्रेस पार्टी मांग करती है मोदी सरकार से अविलंब इस बिल को वापस ले, और जिस प्रकार जो नौजवान छात्र आंदोलनरत थे उन पर फर्जी मुकदमा दायर किया है,
उनको जेलों में बंद किया है। हम आज के इस सत्याग्रह के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि उनका मुकदमा वापस ले, उनको जेल से बाहर करे और इस बिल को वापस ले। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड मुख्यालय परिसर में अग्निपथ योजना के खिलाफ अखिल भारतीय प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से एक दिवसीय सत्याग्रह कर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इस स्कीम को युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। वही प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष विनय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना को लागू कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी को लेकर के बहाली नहीं हुई और युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार से अविलंब अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने सुल्तानगंज वीडियो मनोज कुमार मुर्मू को राष्ट्रपति के नाम से अग्निपथ योजना वापस लेने से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। मौके पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। 2022 को केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना लॉन्च की गई। इस योजना से देश के युवाओं में काफ़ी आक्रोश है। वर्षों से सेना की तैयारी करने वाले, सेना में जाने वाले 70-80% किसान और मजदूर के बच्चे सेना की नौकरी का चाहत रखते हैं, देश सेवा की चाहत रखते हैं। पिछले 2 साल से इस सरकार ने सेना की बहाली पर रोक लगाई हुई है, सेना की बहाली हो नहीं रही है। 2 साल से युवा सेना के तैयारी लगातार कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने इस महीने एक स्कीम लाई, अग्निपथ योजना। इस स्कीम का में 4 साल युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान है। इस स्कीम से पूरे देश भर के युवाओं में काफी आक्रोश है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने प्रदेश भर के कॉलेजों और विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करने का आह्वान किया था, जिसका असर तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में भी देखने को मिला। सोमवार को प्रशासनिक भवन खुलते ही जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता विश्वविद्यालय पहुंच गए। हालांकि जाप कार्यकर्ताओं की तालाबंदी के पूर्व भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया था। वहीं जाप के रवि प्रकाश, गौरव चौबे, सत्यम वर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने अग्निपथ स्कीम योजना को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन में जन अधिकार छात्र परिषद और जन अधिकार युवा परिषद के कार्यकर्ता शामिल थे। इधर जाप के प्रदेश सचिव सैयद राकीब हसन ने बताया कि केंद्र सरकार ने सैन्य भर्ती से जुड़ी स्कीम अग्निपथ को लाकर छात्रों और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि सैनिक भर्ती में अस्थायी प्रक्रिया सैन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, क्योंकि 4 साल की नौकरी की अवधि पूरी करने के बाद युवा नौकरी के लिए दर दर भटकेंगे और नौकरी नहीं मिलने के बाद हाथों में हथियार उठाकर घटनाओं को अंजाम देंगे। सैयद राकीब ने सरकार से अग्निपथ स्कीम को जल्द वापस लेने की मांग की है। जिला सचिव सैयद नासिर हुसैन ने बताया कि सरकार के इस फैसले से छात्रों का काफी नुकसान होगा और यह छात्रों के हित में नहीं है। आज जन अधिकार पार्टी के पूर्व घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे बिहार में राज्यव्यापी यूनिवर्सिटी तालाबंदी का आह्वान किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार लाई है वो युवाओं के लिए सरासर गलत है। अग्निवीर योजना के अंतर्गत सेना की बहाली 4 साल के लिए, आखिर सरकार अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करे कि 4 साल की जो हम उसको ट्रेनिंग देंगे, एक कमांडो की ट्रेनिंग, एक सेना की ट्रेनिंग क्या होती है, हथियार चलाने से लेके गोली चलाने से लेके हर तरह का, उसके बाद जो हम उसको सड़क पर ऐसे छोड़ देंगे। और ये अग्निवीर योजना है ही नहीं, ये तो अंबानी अडानी के लिए कमांडो तैयार किया जा रहा है। देश में जिस तरह निजीकरण का जो चल रहा है खेल, इस निजीकरण के खेल के विरोध में आज राज्यव्यापी तालाबंदी है। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में संघर्षशील अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी संघ अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को संघ ने ढोल नगाड़े के साथ प्रशासनिक भवन में कुलपति खोजो अभियान चलाया। वहीं ढोल नगाड़े की आवाज सुनते ही विश्वविद्यालय के कर्मी अपनी अपनी शाखाओं से बाहर आ गए। संघ के सौरभ झा ने बताया कि प्रभारी कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे पिछले 6 माह से कार्यालय नहीं आए हैं, जिस कारण अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों का साक्षात्कार और शेड्यूल जारी नहीं हुआ। वहीं 20वें दिन अनिश्चितकालीन धरना की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल देव मंडल ने किया। डॉक्टर अमलेंदु कुमार अंजन ने बताया कि कुलपति से सहमति मिलने के उपरांत छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष एवं कुल सचिव डॉक्टर निरंजन प्रसाद यादव साक्षात्कार के विषय बार एवं तिथि बार अधिसूचना जारी कर अधिसूचना के प्रति लेकर धरनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और संघ के पदाधिकारियों के बीच शांतिपूर्ण वार्ता हुई। इस अवसर पर भाजपा जिला शिक्षक प्रकोष्ठ के संयोजक प्रशांत विक्रम, समाजसेवक विजय कुमार यादव, डॉक्टर वशी हैदर समेत कई अतिथि शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद थे। देखिए
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में प्रभारी कुलपति 6 महीने से लापता हैं। शिक्षक परेशान है, आज कर्मचारी परेशान है, तो ये लोग भी हड़ताल पर चले गए हैं। हम अभ्यर्थी जो अतिथि शिक्षक के लिए फॉर्म 8 महीना पहले डाले हैं, आज तक हम लोगों का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। जब प्रति कुलपति से बात होती है तो वो कहते हैं कि कुलपति मुख्यालय में नहीं है, कोई कार्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कैसे विश्वविद्यालय चल रहा है, यह एकदम सरेसर दुखद बात है जो ये लोग कैसे विश्वविद्यालय चला रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं। आज मैं अपील करूंगा राजभवन से, मुख्यमंत्री से, कि आज हमारे विश्वविद्यालय में कुलपति नहीं है, अर्थात हमारा विश्वविद्यालय अनाथ हो चुका है। बार बार प्रभारी कुलपति को देकर हमारे विश्वविद्यालय के साथ एक साजिश रचने का कार्य कर रही है सरकार। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांका के रजौन थाना क्षेत्र अंतर्गत मरनी गांव में रविवार की सुबह शौच करने गए मुकेश दास के 18 वर्षीय पुत्र राजा कुमार की बिलासी बांध में डूबकर मौत हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक राजा मरनी गांव स्थित बिलासी बांध के पास शौच के लिए जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन जब काफी देर तक वह घर नहीं लौटा तो परिजन उसकी तलाश में निकले। वही खोजबीन के दौरान बिलासी बांध के पास पानी से राजा को बाहर निकालकर रजौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर मौत की सूचना मिलते ही परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया। बताया जा रहा है कि राजा कुमार अपने घर का इकलौता चिराग था, जिसकी मौत से परिजन गहरे सदमे में है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि राजा कुमार दिल्ली में रहकर काम करता था और अपने चाचा के शादी समारोह में शामिल होने वह घर आया था। नवगछा के गोपालपुर PSC में रविवार की दोपहर कबाड़ की दुकान में अचानक आग लग गई, जिसमें वहां पर वर्षों से खराब पड़ी एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। वहीं आग लगने के बाद अस्पताल सहित आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया, जबकि अस्पताल में मौजूद मरीज भी काफी भयभीत हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना में एम्बुलेंस के अलावा कई सामान को डाक लगाकर बेच दिया गया था, जिसे पटना की टीम खरीद कर ले जा रही थी, लेकिन एम्बुलेंस में मधुमक्खी के छत्ता को हटाने के लिए लगाई गई आग फैल गई और देखते ही देखते आग भयावह हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे बड़ी घटना टल गई। बता दें कि आग लगने वाली जगह के पास ही दवा का स्टोर और बिजली का बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगा था, जिसमें आग लगने से बड़ी तबाही मच जाती, जिसे संभालना प्रशासन के लिए मुश्किल था। हालांकि जब इस मामले को लेकर अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार से बात की गई तो वो मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखे। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत मिरहट्टी पंचायत के वार्ड संख्या 4 में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से मुख्य सड़क पर नाली का गंदा पानी बह रहा है, जिससे ग्रामवासियों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसको लेकर ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के मौसम में सड़क पर कमर भर नाला का गंदा पानी बहने से ग्रामवासियों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है और यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चों को स्कूल जाने में भी काफी परेशानी होती है और वर्षों से बने इस जल जमाव की समस्या से लोगों का जीवन नारकीय हो गया है। साथ ही कहा कि अधिकारियों को इसकी जानकारी कई बार दी गई है, लेकिन बावजूद इसके अधिकारी और जनप्रतिनिधि ग्रामवासियों की परेशानी और समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं। वहीं नवनिर्वाचित मुखिया अशोक यादव ने कहा कि वार्ड नंबर 4 में जल जमाव की समस्या वर्षों से है, लेकिन संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर अब जल्द ही जल जमाव की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। परेशानी आपके आँख के सामने है, सब परेशानी देखिए रहे हैं तो। जी जी जी, क्या हाँ? ये अभी देखे ना, थोड़ा देर जाने के पहले जोक पकड़ लिया। जी जी,
अब बोलिए बच्चा बुतरू कैसे जाएगा पढ़ने लिखने के लिए, स्कूल जाने का रास्ता नहीं है, हम लोग को आने का रास्ता नहीं है। कितना घर है यहाँ? घर तो यहाँ तो बहुत घरे घर है, दिखिए ना सगर घरे है। छठा महीना है तो अभी तो धूप है, तो क्या दिक्कत हो रही है आपके गांव में? बहुत दिक्कत, आने जाने का दिक्कत हो रहा है, आने जाने में दिक्कत होती है। अब तो बरसा का समय आएगा, क्या दिक्कत होगी बरसा के समय में? बरसा समय में भाई जा बने पड़ते हैं, क्या दिक्कत? कितना पानी हो जाता है? ए इतना पानी आ जाए बच्चा बुतरू तो डूब जाए जते निकलते और नल्ला दोनों ये देखिए रहल छ सब। कितना दिन से परेशानी है? सब दिन के ही। कितना दिन से? सब दिन कदबे पानी, सब दिन कोई देखने नहीं आया? नहीं कोई नहीं। भागलपुर तिलका मांझी स्थित वृंदावन भवन में वीआईपी इवेंट्स द्वारा मिस क्वीन ऑफ भागलपुर सीजन 2 का भव्य आयोजन रविवार को किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ युवा समाज सेवक विजय कुमार यादव, युवा बिजनेसमैन अमित कुमार, पूर्व महापौर वीना यादव, बबीता यादव, वीआईपी इवेंट के संयोजक प्रशांत बनर्जी समेत अन्य आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात मिस क्वीन ऑफ भागलपुर में हिस्सा लेने वाली प्रतिभागियों ने अपनी प्रस्तुति दी। 3 राउंड की प्रस्तुति के बाद ज्योति शर्मा उर्फ परी को मिस क्वीन ऑफ भागलपुर घोषित किया गया। वहीं फर्स्ट रनर अप सिमरन एवं सेकंड रनर अप प्रेरणा विश्वास रही। मुख्य अतिथि विजय कुमार यादव द्वारा विनर को मेमेंटो और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया गया। युवा समाज सेवक विजय कुमार यादव ने भागलपुर की बेटियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा तथा ऐसे आयोजनों से महिलाएं और सशक्त होगी एवं विकास की मुख्य धारा में आकर देश समाज और परिवार का भविष्य उज्जवल बनाने में कारगर साबित होगी। अपने सपने पूरे तथा अपनी निजी स्वतंत्रता और स्वयं के फैसले लेने के लिए महिलाओं को अधिकार देना सशक्तिकरण का बेहतरीन उदाहरण होगा। प्रथम 3 विजेता प्रतिभागियों के कैश पुरस्कार राशि से भी सम्मानित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पाने वाली को 13,000 रुपए, द्वितीय स्थान पाने वाली को 9,000 एवं तृतीय स्थान पाने वाले प्रतिभागी को 6,000 कैश राशि दी गई। वहीं वीआईपी इवेंट के संयोजक प्रशांत बनर्जी ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भागलपुर की बेटियों को सशक्त और जागरूक करना है, जिससे यहाँ की बेटियों भागलपुर के साथ प्रदेश का भी नाम रोशन करे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कदवा पुलिस की दबंगई आई सामने, पीड़ित युवक ने एसपी को आवेदन देकर फिल्मी अंदाज में थाना अध्यक्ष पर पिटाई का लगाया आरोप। क्रेडाई की ओर से किया गया वर्कशॉप का आयोजन, कमिश्नर ने कहा बिल्डरों और खरीदारों को होगी सहूलियत। जदयू विधायक के बयान पर बीपुर विधायक ने किया पलटवार, कहा जनता जानती है नौटंकीबाज है कौन। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस ने किया सत्याग्रह, नेताओं ने कहा युवाओं से खिलवाड़ कर रही है सरकार। और ढोल नगाड़े के साथ अतिथि शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीएमबीयू में चलाया कुलपति खोजो अभियान। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।